नमस्कार, आदाब। अपने चैनल पर उर्दू अदब को डॉक्यूमेंट करते हुए मैं आज फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने। ये साफ कर दूँ कि मेरा ये चैनल बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं है। मेरी कोशिश है कि उर्दू अदब को जिस हद तक मुमकिन हो इस माध्यम पे, इस मीडियम पे डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लें जो शायद उर्दू पढ़ना ना जानती हों, या वो लोग जो उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकें और कम से कम सुन सकें। आज मैं आपको सुना रहा हूँ सरदार जाफरी का एक और अफसाना। उन्वान है 12 आने। आइए सुनते हैं 12 आने। शहर के गुंजान हिस्से में गली के मोड़ पर एक कबाड़िए की छोटी सी दुकान थी, जिस पर एक बूढ़ा चुंधी हुई आंखों का आदमी बैठा हुआ ऊंगा करता था। कभी कभार जब कोई ग्राहक आ जाता तो कबाड़िया चौंकता नहीं, तो इसी तरह अपनी आंखें बंद किए बैठा रहता। उसकी आंखों में कीचड़ इस तरह भरी रहती कि वो दूर से दो छोटे छोटे नासूर मालूम होती थी। दुकान के पीछे एक तारीख कमरा था, जिसके वजूद का इल्म आने जाने वाले के सिवा किसी और को ना था। ये एक गंदा शराब खाना था, उसमें 10-15 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। छत इतनी नीची थी कि मालूम होता था अभी गिर पड़ेगी, और कच्ची ज़मीन में इतनी शराब और ताड़ी जल हो चुकी थी कि हर वक्त सीली रहती। एक तरफ दीवार में एक बहुत बड़ा छेद था, जिसके अंदर छत पर जाने का रास्ता साफ दिखाई देता था। उसका भी मालिक यही कबाड़िया था, जो खुद तो दुकान पर बैठा रहता था और बेटा अंदर ताड़ी और शराब बेचता था। रात का वक्त था, कबाड़ी की दुकान बदस्तूर खुली हुई थी। सड़क पर बिजली की रोशनी गुल थी और गली के अंदर जहाँ आने जाने वालों का सिलसिला कम हो चुका था, म्यूनसिपैलिटी की अंधी लालटेन टिमटिमा रही थी। लेकिन शराब खाना अपनी पूरी रौनक पर था। 6-6, 7-7 मजदूरों की 3-4 टोलियाँ अलग अलग बैठी हुई ताड़ी पी रही थी। एक कोने में एक तांगे वाला अकेला बैठा शराब पी रहा था। टूटे हुए कुल्हड़ और मिट्टी के आप खूरे हर तरफ पड़े थे। एक मजदूर जो कई महीनों बाद आया था अपनी टोली वालों से कह रहा था, वांदे हो जाओ तो काम से अलग कर दिया जाओ। वो तो जानो परमात्मा की कृपा थी कि मजूरी फिर मिल गई। सुसरे मुंशी ने पूरे 10 रुपए लिए, झुंझुनी कौड़ी भी नहीं छोड़ी, उधार कर्ज लेकर दे दिए। सोचा कि मजूरी अब की गई तो फिर ना मिलेगी, चाहे परमात्मा आकाश से उतर आवे। दूसरा मजदूर बोला, तभी हम कहत रहे कि छेदी कहाँ है, बाल ना बच्चे, यहाँ ताड़ी पीत रहा वो छोड़ दी। छेदी ने कहा, जब पैसे ही पल लेना हो तो कहाँ से पी। सबने उससे इत्तेफाक किया और फिर पीने में मशगूल हो गए। दूसरी टोली का एक काना मजदूर नशे में बड़बड़ाने लगा, दिन भर काम करो, शाम को औरत की बातें सुनो, नून नहीं, तेल नहीं, लकड़ी लाओ, ई लाओ, ऊ लाओ, छोटी सी काल कोठरी, वहीं चूल्हा, वहीं बर्तन, वहीं बाल बच्चे, फिर औरत है कि चुड़ैल। ये अभी इतना ही कहने पाया था कि पास वाले मजदूर ने कुछ ज़्यादा पी लेने की वजह से कह की और उगली हुई शराब से काने की मैली धोती भर दी। काना गुस्से में नाचने लगा, सुसर झाड़ रहे आवाए, काहे इतनी पी ली। सबने बीच बचाव किया, नहीं तो मारपीट हो जाती। तांगे वाला जो दूर बैठा था आकर उन लोगों में मिल गया और काने का कंधा पकड़कर कहने लगा, यार तुझे रोज कितना मिल जाता है, 8 आने, फिर तो मैं मजे में हूँ। तांगे वाले ने फखरिया कहा, मेरा मालिक मुझे 6 आने रोज देता है और 2-2.5 रुपया मैं पहले ही बचा लेता हूँ। सारे मजदूर हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे, ये कैसे, एक लगड़े मजदूर ने पूछा।
ये बहुत आसान है। मैं अगर दिन में 5 रुपया कमाता हूँ तो मालिक को 3 ही बताता हूँ। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद ताड़ी और शराब का दौर चलने लगा। भद्दे कहकहों के साथ शराब और ताड़ी की हलक से नीचे उतरने की गड़गड़ाहट और खाली आबकूरों के टूटने की आवाज़ें आने लगी। अबे ओ कनुआ, छेदी ने काने को अपनी टोली से आवाज़ दी। सब कहकह मार कर हंस पड़े। आज जान पड़त है मजूरी ज़्यादा पाए हो, काने ने अपनी आँख को कुछ और दबाकर कहा। तुम्हारी दीदी की आँख तो मांगे नहीं गई ना, छेदी तिलमिला कर उठा। काना उसे जो चाहे चाहता कहता, उसकी दीदी का नाम उसने कैसे ले लिया। उधर काने की मदद पर लंगड़ा था, जिसे देखकर छेदी के तेवर बुझ गए। जाओ बच्चा, आज छोड़ दिया, अब कस दीदी की नाव ली हो तो बताई। काना और लंगड़ा दोनों एक साथ उठे और बाहर चले गए। छेदी कुछ पैसे नौजवान बाड़ियों को देकर छत पर चढ़ गया। इतने में दो देहाती लड़कियां, जिनमें से एक ज़रा तेज तेज कदम रख रही थी और दूसरी ज़रा झिझक के एक साथ अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे दोनों मजदूर थे जो अभी चंद मिनट हुए बाहर गए थे। ज़मीन, छत और दीवारों से निकलने वाले ताड़ी और शराब के भभकों ने उनका खैर मकदम किया। नौजवान कबाड़िया उन्हें देख कर मुस्कुराया और दोनों को जीने की तरफ इशारा करके अपने काम में मशगूल हो गया। तांगे वाला लड़कियों को देखकर अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाता हुआ कबाड़िए के पास आया। कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे में लाल पगड़ी दिखाई दी। पुलिस का एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ। तांगे वाला घबरा कर अपनी जगह वापस लौट गया और लड़कियों के पीछे आने वाले काने और लंगड़े एक कोने में दुबक गए। टोलियों में बैठे हुए मजदूर आपस में कुछ सरगोशियाँ करने लगे। सिपाही ने कबाड़िए के पास आकर कहा, क्यों जी, क्या रंग है? कबाड़िए ने जेब से 1 रुपया निकाला और अपने दांत होंठों से बाहर निकालते हुए कहा, अजी क्या पूछते हो नायक साहब, बस 2 वक्त की रोटी चल जाती है। सिपाही जो करीब आ चुका था ज़रा अकड़ के बोला, आजकल तो बहुत से ग्राहक पास रखे हैं। उसका इशारा दोनों लड़कियों की तरफ था। कबाड़िए ने अपना रुपये वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे हाथ मिलाना चाहता हो। सिपाही ने रुपया लेकर बजाया। कुछ देर उसे देख देख कर मुस्कुराता रहा, फिर कहा, बिटिया कई दिन से परेशान कर रही थी कि रबड़ का बबुआ ला दो। मेरे पास पैसे कहाँ थे, सोच रहा था कहीं अच्छी ड्यूटी लग जाए। हाँ हाँ, तो फिर आज बिटिया को बबुआ खरीद दीजिए, कबाड़िया ने चापलूसी करते हुए कहा। आज लेता जाऊँगा, रोज़ जिद करती थी। एक दिन उसे साहब के यहाँ सलाम को ले गया था, बाबा लोग बबुए से खेल रहे थे, बस उसी रोह से जान खा रही थी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, सिपाही ने रुपया जेब में डाल दिया। कबाड़ी ने झुककर अदब से सलाम किया और उसे दरवाजे तक पहुँचाकर लौट आया। तांगे वाला पास आकर कहने लगा, आज तो एक नई लड़की आई है। कबाड़िया मुस्कुरा दिया। दोनों कोने में दुबके हुए मजदूर भी आ गए। काना बोला, नई लड़की? लगड़े ने कहा, कितने पैसे लेगी? तांगे वाले ने जरूरत से कहा, नहीं है, नहीं पैसे नहीं, रुपए लेगी। रुपए? मजदूर ने हैरत से पूछा। हाँ रुपए, कुछ है गिरा में? तांगे वाले ने कहा। दोनों मजदूर एक दूसरे की सूरत देखकर खामोश हो गए। तांगे वाला कबाड़ी से मुखातिब हो गया, यार फिर सौदा करते हो, क्या है तुम्हारे पास? 3 रुपया? नहीं 5 रुपया, 5 तो मेरे पास नहीं है, किसी से उधार ले लो, बिल्कुल नई लड़की है। फिर तुम ही दे दो उधार, तांगे वाले ने खिसिया के कहा। कबाड़ी अपनी उंगली हिलाकर बोला, अच्छा बोलो कितने रुपए हैं? 4। और शराब के दाम? इसलिए 3 रुपये कह रहा हूँ, 1 रुपया तुम शराब की कीमत ले लो। अच्छा दाम निकालो, कबाड़िए ने कहा। 2 रुपये फिर दे देना। तांगे वाले ने 4 रुपये उसके हाथ पर रख दिए, जिन्हें कबाड़िए ने अपनी मुट्ठी में दबा लिया और ग्राहक को साथ लेकर जीने पर चढ़ गया। दोनों मजदूरों ने आपस में कुछ सरगोशी की और फिर बैठकर ताड़ी पीने लगे। छत पर कई कोठरियाँ बनी थी,
दो तीन अंदर से बंद थी, एक कोठरी में कई औरतें जमा थी, दूसरी में दोनों देहाती लड़कियां बैठी थी। कबाड़िया ने दरवाजे से में से रामी कहकर एक लड़की को बुलाया और अलग ले जाकर पूछा कि नई लड़की कौन है। इसका नाम जमुना है, एक किसान की लड़की है, करीब के देहात में रहती है, तुझे कहाँ से मिल गई। 3 दिन से मैं इसकी फिक्र में थी, रामी ने हंसकर कहा। सड़क पर मारी मारी फिर रही थी, मजदूरी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा चलो मैं पैसे कमवा दूँ। पहले दिन राजी नहीं हुई, आखिर आज आई। अगर आज ना आती तो कल आ जाती। तो अब राजी है ना, कबाड़िया ने पूछा। राजी ना होती तो यहाँ क्यों होती, फिर उसे रोज यहाँ आने पर राजी करो। एक दिन आने के बाद फिर कहाँ जा सकती है। कबाड़िया नीचे चला गया, तांगे वाला कोठरी में घुस गया और रामी छत पर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद तांगे वाला कोठरी से बाहर निकला तो रामी अंदर गई। उसकी नई सहेली जो अब उसकी तरह पुरानी हो चुकी थी, टूटी हुई चारपाई पर बैठी कांप रही थी, आंसू उसकी आंखों में भरे थे, शलों का आस्तीन और सीने पर से मसक गया था। रामी को देखते ही उसने कहा अब मैं जाऊंगी। उसकी आवाज़ में बिल्कुल जान नहीं थी। फिर जल्दी क्या है, अब तो कमाई का वक्त आ रहा है। नहीं, जमुना ने मुर्दा आवाज़ में कहा, मैं तो शहर में मजदूरी करने आई थी। मजदूरी में तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, रामी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। फिर आजकल मजदूरी है कहाँ। जमुना ने कहा मैं तो जाऊँगी, मेरे जो कुछ पैसे हो मुझे ला दो। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर रामी कोठरी से बाहर निकल गई। उसने सोचा आज अगर उखड़ गई तो फिर कभी नहीं आएगी। जब तक रामी वापस आई, जमुना अपनी हालत पर गौर करती रही। बाप, कर्जे के बोझ से झुकी हुई कमर, माँ, अफकार गम से झुर्रियों भरा चेहरा, छोटे छोटे बहन भाई, देहात जहाँ कोई आमदनी की सूरत नहीं, शहर का शोरोगुल, मोटर गाड़ी और ट्राम की आमदोरफ्त, ऊँचे ऊँचे महल जिनके दरवाज़ों में किसी को घुसने की इजाज़त नहीं, गंदा शराब खाना, छोटी सी तारीख कोठरी, शराब में मस्त गाहक, जज्बात से खाली और पैसे की उम्मीद से भरी हुई जवानी, एक नातजुर्बाकार लड़की की जवानी। उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखें छलक पड़ी। इतनी देर में रामी वापस आ गई। उसे देखकर बोली, तुम क्यों रो रही हो। कुछ नहीं, जमुना ने आंसू पोंछ कर कहा। पैसे लाई, रामी ने 12 आने पैसे उसे दे दिए। जमुना ने पैसे हाथ में लेकर गिने और कहने लगी, बस 12 आने और क्या, इतनी देर में कोई 12 रुपये मिलेंगे। जमुना खामोश हो गई और पैसे अपने आंचल में बांध कर उठ खड़ी हुई। रामी ने कहा, थोड़ी देर ठहरो जमुना, अभी और लोग आते होंगे। जमुना ने कोई जवाब ना दिया और दरवाजे की तरफ चल दी। रामी उसे साथ लेकर जीने से नीचे उतरी। जमुना के कदम उस वक्त डगमगा रहे थे। वह मुश्किल तमाम रामी का सहारा लिए वो शराबखाने से बाहर आई। अंधेरी गली में पहुँच कर उसने कहा, अब मैं चली जाऊँगी। रामी ने पूछा, फिर कल आओगी। पूछा, कल फिर आओगी ना। जमुना पहले तो चुप रही, फिर गर्दन हिलाती हुई चली गई। फौरन ही 2 मजदूर बाहर निकले, एक लंगड़ा, एक काना, और जमुना के पीछे हो लिए। ये थी आज की कहानी 12 आने।